हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज है 8 नवंबर 2023 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे, और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। टोकन तुहर द्वार किससे संबंधित है? धान खरीदी, मछली पालन, कार खरीदी, बकरी पालन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धान खरीदी। जब हम मंडी में धान पहुंचाते हैं तो हमें उस क्या करवाना पड़ता है, टोकन कटवाना पड़ता है, जो पहले मंडी में ही जाने के बाद करता था, लेकिन अब अपने स्मार्टफोन मोबाइल के जरिए आप उसको काट सकते हैं और अपने धान को लेके मंडी में बेच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक कोयला डिस्पैच करने वाला ACCL बन गया है किस जिले से संबंधित है? ये ACCL है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोरबा। कोरबा का जो गेवरा है वो ACCL की जो सर्वाधिक कोयला डिस्पैच करने वाला ज़िला बन गया है, यह कोरबा है, कोरबा ज़िला है, और कोरबा के अंतर्गत आता है गेवरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हसिया नदी का उद्गम किस जिले में है? ये हसिया नदी है, उसका उद्गम किस जिले में है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, मनेंद्रगढ़, बिलासपुर, इन चारों में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनेंद्रगढ़ में यहाँ नदी है। कौन सा नदी है? तो हसिया नदी है, और यहाँ बहुत प्रदूषित है दोस्तों, इसमें थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में गामावाड़ा मृतक स्तंभ को मनाया गया, इन चार जिला में से किस जिले में मनाया गया? बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बस्तर जिला में मनाया गया। यह पुराने जो मृतक उसकी यादों में इसको बनाया जाता है, और इसको साल में एक बार मनाया जाता है। जैसे आगरा का ताजमहल मुमताज़ की याद में बनाया गया, वैसे आदिवासियों का यहाँ मृतक स्तंभ बनाया जाता है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडियागढ़।